बेटा गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू। वंस अगेन करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग आज 5 और 6 जुलाई पर फोकस करेंगे। अब तो आपके काफी नजदीक चल रहा है और ये मान के चलता हूं कि 25 जुलाई तक अप टू डेट हो जाएगा। हर दिन की खबर उसी दिन पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते बेटा। बेटा आज 5 और 6 जुलाई का करंट अफेयर्स क्या बनता है उसको देखेंगे। तो आज का विषय सबसे पहले 5 जुलाई 2020 को जो हमारे अखबारों में, मीडिया में, अन्य न्यूज़ में आया, उसमें से इम्पॉर्टेंट खबर किस तरह से एकेडमिक वर्ल्ड के आने वाले दिनों का सवाल बन गया है, उस पर ध्यान देंगे। तो आइए बुक्स के ऊपर बात करें बेटा। तो हमें कुछ बुक्स को देखना है। ऑब्वियसली संडे का दिन है, 5 जुलाई संडे का दिन है और द हिंदू अखबार में संडे के रोज करीब 10-12 किताबों के बारे में जिक्र होता है। उन 10-12 में से 2 से लेकर 4 किताबें तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, ठीक है, और उस पर सवाल बनता ही है। तो आइए बुक्स के ऊपर देखें। एक किताब है मिडिल क्लास मीडिया एंड मोदी द मेकिंग ऑफ ए न्यू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मिडिल क्लास मीडिया एंड मोदी, मिडिल क्लास मीडिया मोदी, MMM, मिडिल क्लास मीडिया मोदी, द मेकिंग ऑफ ए न्यू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये लोग मिलके क्या बना रहे हैं? एक नया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी चुनाव जीतने का क्या पॉलिटिक्स है, पूरा फोकस्ड इस पे होगा। और इसके राइटर हैं नागेश प्रभु, नागेश प्रभु, ये याद रखना है। तो नागेश प्रभु ने किताब लिखी है मिडिल क्लास मीडिया एंड मोदी द मेकिंग ऑफ ए न्यू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नागेश प्रभु। सेकेंड बुक का नाम है द नेक्स्ट ग्रेट माइग्रेशन, सोनिया शाह, द नेक्स्ट ग्रेट माइग्रेशन, सोनिया शाह। जरा ध्यान दीजिए, माइग्रेशन के संदर्भ में देखें तो प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे पशु पक्षी हो या इंसान। जब भारत का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ इंडिया बिटवीन इंडिया पाकिस्तान 1947, करीब 2.5 करोड़ लोग जो है इधर से उधर हुए। इट वॉज ए ग्रेट माइग्रेशन। एंड इन COVID-19 पीरियड शहर से गांव की ओर जो माइग्रेशन हुआ है, प्रदेश से घर की ओर जो माइग्रेशन हुआ है, ये है सेकेंड ग्रेट माइग्रेशन, सोनिया शाह। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगला जो है आपका ठीक है, अगला जो माइग्रेशन मतलब है, तीसरी किताब वो देखिए। तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री मैन, MEN मैन प्लूरल में हिस्ट्री मैन बाय TCA राघवन। चौथी किताब जो है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। हमारे जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर, उनके लाइफ के ऊपर बनाया गया है ये, मतलब लिखा गया है किताब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर बाय, ठीक है ना, सदगुरु पाटिल,
सदगुरु पाटिल एंड ठीक है माया भूषण ठीक है नागवेकर, सदगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेकर इन दोनों ने मिलकर जो किताब लिखी है मनोहर पारिकर पे लिखी किताब है जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर रिटेन बाय सदगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेकर। तो ये चीज है, हमें ये जानना चाहिए कि मनोहर पारिकर जो बीमार पड़ गए और करीब 6 महीना बीमार रहे अंत तक चल बसे, याद रखना है वो गोवा के 2 बार मुख्यमंत्री बने, भारत के रक्षा मंत्री बने और हमेशा एक बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह रहे, इंजीनियर थे और हमेशा चप्पल पहन के ही स्कूटर से ही वो शहर में भी घूमते थे और स्कूटी से ही चले आते थे गोवा के विधानसभा में। तो बहुत सिंपल एंड सोबर लाइफ रहा। जिस दिन उनकी बेटे की शादी थी उस दिन भी वो हाफ टाइम जो है पार्लियामेंट का काम करके मुख्यमंत्री का काम करके और शादी को संभाला है उन्होंने, तो मायने की बात है। और उनका पूरा नाम है मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर। तो मनोहर याद रहेगा, पारिकर याद रहेगा, तो इसमें कौन आया, तो GKP गोपाल कृष्ण प्रभु, तो गोपाल कृष्ण प्रभु तो याद रखेगा, मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर 1955 में पैदा हुए थे, 2019 में ये डेथ कर गए थे। तो ये याद रखने की चीज है, यहां से सवाल आएगा उनका पूरा नाम। अब आइए अगला, पांचवी जो किताब है वो देखिए, ए फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म। फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म मतलब टुकड़े टुकड़े स्त्रीत्व। ए फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ आनंदी जोशी। आप कहेंगे ये कौन है, तो समझना चाहिए कि 1865 में पैदा हुई महाराष्ट्र में आनंदी जोशी, जिसकी शादी 13-14 वर्ष की अवस्था में हो गई ठीक है, और 1887 में डेथ कर गई सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में। 1865 जन्म, 1887 में मृत्यु, 22 साल की उम्र में, 13 साल के या 12 साल की उम्र में शादी हो गई। इनके पति पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, तो पोस्टमैन थे, डाकिया थे, और शादी के बाद इन्होंने जो है मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़ने के लिए फॉरेन गई, फॉरेन से पढ़कर आई और आ करके यहाँ पर अपना प्रैक्टिस शुरू की, और भारत की पहली महिला चिकित्सा यानी चिकित्सक, इंडियाज फर्स्ट लेडी डॉक्टर इनके नाम में आता है। समझाई बात, मायने रखता है ना, इंडियाज फर्स्ट लेडी डॉक्टर आनंदी जोशी। और 22 वर्ष की उम्र में टीबी की बीमारी उस टाइम में बहुत होती थी, तो डेथ कर गई, सपने अधूरे। वही है ए फ्रेगमेंटेड फेमिनिज्म द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ आनंदी जोशी। शी वॉज कंसीडर्ड द फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन इंडिया ठीक है। तो 1865 में जन्म हुआ पुणे में, 1887 में डेथ हो गया 22 साल में, और मैरिज जो है 1874 में हुआ था 9 साल की उम्र में ठीक है। और ये ध्यान में रखना है इस तरह से वो 26 वर्ष तक विडो के रूप में मैरिज जो है ये हो गया था ठीक है। अब ये देखते हैं 26 वर्ष के एक विडोवर से इनकी शादी हुई थी, तो 9 साल की खुद थी और 26 वर्ष का इनका दूल्हा था जो ऑलरेडी उनकी एक पत्नी मर चुकी थी, तो ये थे। चाइल्डहुड नेम इनका था यमुना, बचपन का नाम यमुना, और डॉक्टर फ्रॉम द फिलाडेल्फिया USA मेडिसिन में डॉक्टरी की फिलाडेल्फिया अमेरिका जा करके। तो दैट इज द सम इम्पोर्टेंस द सिक्स्थ बुक। अगला जो किताब है राइजिंग हीट, बढ़ता तापमान ठीक है, पेरुमल मुरुगन। तो पेरुमल मुरुगन जो है राइजिंग हीट किताब लिखे हैं बढ़ता तापमान के ऊपर। अब है अगला जो है बुक्स की बात हो गई। अब आइए बेटा, हॉग्स मतलब होता है सुअर ठीक है, वाइल्ड हॉग मतलब जंगली सुअर। बाहुबली में तो देखा ही होगा कि जंगली सुअर को कैसे तीर से मार रहे थे, तो हॉग्स मतलब जंगली सुअर।
अब ये हॉग्स जो है उसमें जो नाटे कद का है, तो पिग्मी हॉग्स, बहुत छोटा आकार का, बहुत छोटा आकार का, यानी पिग्मी मतलब नाटा, पिग्मी एक जनजाति भी है, तो पिग्मी हॉर्स। अब ये पिग्मी हॉर्स को देखें, हाँ तो ये सॉरी हॉग को, तो पिग्मी हॉग जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, तो पिग्मी हॉग नाटा सुअर, जंगली सुअर, भारत में असम में पाया जाता है। लगभग 150 के आसपास इसकी संख्या है। सिंपल, पिग्मी हॉग भारत में कहाँ पाया जाता है, असम। अगर आपको बोल दे तो मानस, मानस जो है सेंचुरी है, नेशनल पार्क। अब अगला आपका है डेथ। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे डेथ आ रहे हैं कोरोना में, लेकिन हर डेथ कोरोना की वजह से नहीं है। आप जानते हैं इस्कॉन एक टेंपल से रिलेटेड ग्रुप है, इस्कॉन टेंपल कहते हैं। तो इस्कॉन जो है एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल श्री कृष्णा सेंसस कंसेस, तो इंटरनेशनल कंसेस ऑन श्री कृष्णा, इंटरनेशनल कंसेस ऑन श्री कृष्णा कॉल्ड इस्कॉन। इसके जो चीफ थे उनका नाम था स्वामी भगत चारू महाराज। सो द चीफ ऑफ इस्कॉन भगत चारू महाराज पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19 इन अमेरिका। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में थे, वहीं पर COVID-19 से डेथ कर गए, जो इस्कॉन टेंपल के, पूरे वर्ल्ड के इस्कॉन टेंपल के क्या थे, चीफ थे, अपने इंस्टीट्यूशन के चीफ थे। क्या नाम था, भगत चारू महाराज। चलिए अब पांच देखते हैं क्या होता है। जो 5 जुलाई है 1996 में डॉली नाम के भेर को रोशलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड ने तैयार किया था, जो एक फीमेल शिप थी, डॉली नाम रखा गया था। ध्यान दे, दुनिया में पहला क्लोन एनिमल डॉली कब, 5 जुलाई 1996, कहा, रोशलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड इन इंग्लैंड। फीमेल या मेल, फीमेल शिप। दुनिया का पहला जानवर जो क्लोन किया गया वो यही है और जिंदा रहा, और डॉली खुद प्रेग्नेंट हुई, बच्चे दी, और डॉली को फिर बाद में पैरालिसिस, लकवा मार देने से ये करीब 12 या 14 साल की उम्र में डेथ कर गई। तो याद रखिए, 5 जुलाई डॉली के बारे में क्वेश्चन आता ही है साइंस में, ये ध्यान से समझ लीजिए। अब आइए, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख भारत सरकार ने जो 31 जुलाई को समाप्त हो रहा था उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। यहां कुछ नहीं है, कोल इंडिया, ठीक है, सॉरी, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल मतलब कोयला, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL एंड NLC, ठीक है, ये जो है नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, ठीक है, नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इन दोनों ने, यानी कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का एक कंपनी है और नवरत्न कंपनी है, और दूसरा जो मैंने कहा NLC नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ये भी भारत सरकार का है, ये दोनों कंपनी मिलकर के 3000 मेगावाट का, ठीक है, 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सोलर पावर इंडस्ट्री सेटअप करने जा रही है, ठीक है, जो आपका टारगेट है इसका कि हम 5000 मेगावाट सोलर पावर और थर्मल पावर एनर्जी को डेवलप करें। यानी CIL जो कोयले का खनन करती है और NLC जो कोयले के एक प्रकार लिग्नाइट का खनन करती है, कोल इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल लिग्नाइट कॉरपोरेशन दोनों कंपनी भारत सरकार की है, दोनों मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पे सोलर, ठीक है, प्लांट लगाना चाह रही है, सोलर पावर इंडस्ट्री लगाना, मतलब सोलर पावर प्लांट लगाना चाह रही है, जिसका मकसद है 5000 मेगावाट सोलर पावर बिजली का और थर्मल पावर का उत्पादन करें, जिसमें 3000 मेगावाट का 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक कंपनी, एक पावर स्टेशन बनाने जा रही है। अब आइए, गूगल, गूगल अब बैकअप फोटो फीचर्स को समाप्त कर दिया है। गूगल अब आपके बैकअप फोटो फीचर्स को नहीं दिखाएगा, यानी जो साल दो साल हो गए उसको अपलोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब क्लाउड में आ गया ना ये सिस्टम, जब क्लाउड में है तो जब चाहे कर लीजिए, अब गूगल ही उसको बार बार बैकअप करे ये जरूरी नहीं।
इसलिए हटा दिया। अब आइए आगे, CLAT क्लैट। अब क्लैट का क्या सिस्टम है समझिए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये जो है बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटी एक साथ मिल करके ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में देखा जाता है, जिसमें अब तक एक ही भाषा में इंग्लिश में होता था एग्जाम, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लैट के लिए कहा गया है, एक कमिटी सेटअप हुई जिसका काम है कि ये 7 मेंबर्स कमिटी सेटअप हुई है जिसका काम है कि ये सिफारिश करिए कि इसे कितनी भाषाओं में हम एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो बात की गई है कि 11 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में इसका एग्जाम लिया जाए, ताकि देखिए एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियरी, एक ट्रेनिंग है, एक मैनेजमेंट है, स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम टाइप से है चीज़ें, एसर्सन है, तर्क बुद्धि है, जुडिशियरी कोई भी चीज़ का न्याय करना, तो इसमें रटने की विद्या तो है नहीं। तो सवाल है कि सिर्फ आप जो देखें इंग्लिश ही क्यों, लैंग्वेज इज नॉट बैरियर, तो हर भाषा में, तो 11 भाषाओं में अब क्लैट का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट गोइंग टू बी हेल्ड इन 11 लैंग्वेज, नो डाउट, ये ध्यान रखना है। सुन ली, तो उसके लिए 7 सदस्यों वाला एक मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया है कि आप सिफारिश करिए, इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड इंस्टीट्यूशन टू सेलेक्ट नॉमिनीज फॉर द फाइनल 3 इंडियंस बिकम हु मेंबर ऑफ ऑल 3 आर फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। यानी ऑस्कर कमिटी जो ऑस्कर अवार्ड देती है, उस अवार्ड को देने के लिए वो 50-60-100 लोगों को अपॉइंट करती है, एक जूरी बनाती है जो पूरे विश्व के कई सारे पिक्चर्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, पिक्चर्स, ये शॉर्ट वॉट, इन सब क्षेत्रों में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे 3 अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी चूज किया है ऑस्कर एकेडमी ने अपने जूरी मेंबर के लिए, जिनका ताल्लुक भारत के दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से है, जो मीडिया में यहाँ से कोर्स करके आज फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, और राइटर्स हैं, इन सब पे काम कर रहे हैं। सो दैट इज द मैटर ऑफ इंडियन डिग्निटी कि इंडियन डायस्पोरा अब ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनीज, सॉरी जूरीज में जो है मेंबर बने। कौन है वो 3 लोग जो जामिया मिलिया से पढ़े लिखे हैं? वो हैं निशिता जैन, जो गुलाबी गैंग पिक्चर बनाई। दूसरे हैं श्रीराज अब्राहम। तीसरे हैं अमित मधेशिया, जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो अमित मधेशिया फोटोग्राफर हैं, जामिया मिलिया से कोर्स किए हैं। फिर दूसरा है आपका श्रीराज अब्राहम, और तीसरा जो है हमारी निशिता जैन, जो गुलाबी गैंग पिक्चर बनाई है। ये 3 जो है इस बार बनी है जूरी मेंबर, कहाँ, ऑस्कर एकेडमी के, जो अगले साल अवार्ड दिया जाए ना 2021 में उसके लिए, क्योंकि नॉमिनेशन तो होता रहता है। अब आइए, एबीपी न्यूज चैनल, इट्स नेम आनंद बाजार पत्रिका, ध्यान दें, 1922 में बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका नाम से एक अखबार निकलना शुरू हुआ। आनंद बाजार पत्रिका एक अखबार न्यूज़पेपर के रूप में बंगाल में छपता था सिंस 1922। लेटर ऑन अब देखते हैं कि यही आनंद बाजार पत्रिका ने स्टार न्यूज चैनल को आज से 10 साल पहले खरीद लिया, और खरीद करके उसका नाम, ठीक है, क्या रख दिया, एबीपी न्यूज, आनंद बाजार पत्रिका न्यूज रख दिया। अब याद रखना है कि इसे कौन स्थापित किया था आनंद बाजार अखबार को, तो पब्लिशर एंड ऑनर वाज द आनंद बाजार पत्रिका वाज, कौन थे, 2 लोग, सुरेश चंद्रा मजुमदार एंड प्रफुल्ल कुमार सरकार। सुरेश चंद्रा मजुमदार और प्रफुल्ल सरकार, तो प्रफुल्ल सरकार और सुरेश चंद्र मजुमदार, ये दोनों थे, ये ध्यान रखना। झारखंड, बहुत अच्छा एक न्यूज बता रहा हूं, झारखंड में लातेहर एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका अपना एक कॉमन रूल है कि संडे को पशुओं से सेवा नहीं ली जाएगी। पशुओं से सेवा नहीं ली जाएगी मतलब बैल को, झोटा को, भैंसा को, जनरली हम जो है गाड़ियों में, बैलगाड़ी में, खेतों में हल जोतते हैं, वो नहीं करवाया जाएगा, फुल्ली रेस्ट का टाइम है।
बहुत अर्जेंट है, ट्रैक्टर ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर फिर भी आप लगाते हैं कोई संडे को तो उसे पनिशमेंट के तौर पे अच्छा खासा हर्जाना देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, उसका भी राइट है, सातों दिन काम करें, असंभव सा नहीं लगता, तो ये अच्छा है, नो डाउट। तो चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब आइए, तो हमें भी उसे सबक सीखना चाहिए। अब अगले पॉइंट पर आइए, अगला हम बात करने जा रहे हैं, 18th नंबर पे है, ठीक है, नाम है राबेल कैनेडी, प्रथम पाकिस्तानी मसीह बिरादरी, ठीक है ना, माइनॉरिटी क्लास महिला हैं जो पाकिस्तान की विदेश सेवा हेतु चुनी गई हैं। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के भी लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या है, शायद 2-4 लाख हो, उससे ज़्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान में इन क्रिश्चियन सोसाइटी को मसीह, ईसा मसीह, मसीही बिरादरी कहते हैं। तो मसीही बिरादरी यानी क्रिश्चियन, और वहाँ के लिए माइनॉरिटी हो गया, तो पाकिस्तान की माइनॉरिटी क्लास, क्रिश्चियन क्लास, मसीही बिरादरी की पहली महिला जो IFS बनी है, या इंडियन नहीं, PFS बनी है, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस में जो है पास की है और फॉरेन सर्विस में आई है, उसका नाम क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसका नाम है राबेल कैनेडी। तो राबेल कैनेडी जो है ये बनी है और ये महिला है, पाकिस्तान की विदेश सेवा में चुनी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आइए, आप भी जानते हैं अगे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन और उर्फ अगे, इनका नाम था, तो एक्चुअल नाम है हीरानंद वात्स्यायन, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन और अगे टाइटल के रूप में लगाते थे। तो ये जो है किताब लिखे प्रिजन डे एंड अदर्स पोयम, और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताब लिखी, मुक्ति बोध, शेखर एक जीवनी, ठीक है, नदी के द्वीप, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। नदी का द्वीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका सेंस अलग है, जैसे नदी है ना, तो ऐसे इंसान के शरीर को एक नदी बना दिया गया है, और पुरुष की जो एक लिबिडो टाइप की थिंकिंग है ना, यौन संबंध के ऊपर, मानी स्त्री को हम इससे आगे देख ही नहीं पाते, स्त्री दिमाग में आता है तो यौन संबंध दिमाग में आता है, नहीं, स्त्री जब भी सोचिए बेटा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वो मेरी माँ है, मेरे शक्ति की स्रोत है, मेरे भोजन की स्रोत रही है, आज भी मेरी अध्यात्म की पहली चेतना वही है, तो ये माँ का आएगा, ये है स्पिरिचुअलिटी अबाउट वुमेन। तो ये थिंक करिए ना माइनर, पर हम कुछ और जगह पर पहुंच जाते हैं, सोच बदलनी है, स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि मतलब शरीर एक नदी है और यौन जो है, योनि जो है स्त्री का, वो एक द्वीप है, यानी पुरुष वहीं पर जाके ठहरना चाहता है, जितना भी वो इधर उधर करता है सबके पीछे वहां तक पहुंच बनाना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है हम मर्दों पर, हम पुरुषों पर, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है, और इसका उत्तर सही देना चाहिए और उसको स्पिरिचुअलिटी के तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि कार्नल सेटिस्फेक्शन इज द नॉट लास्ट, अगर कार्नल सेटिस्फेक्शन से ही जीवन में सेटिस्फेक्शन मिल जाता तो डेफिनेट, और नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे पैदा होने होते तो आज तरीके इतने सारे नहीं होते डिलीवरी के, और जो हमें मिलता है आनंद, पफनेस, इंथुजियाज्म, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, रियल में ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड है, डिपेंड अपॉन आप कैसे ऑर्गेनिज्म गेट करते हैं, कोई कार्नल बॉडी से जुड़ करके करता है शरीर से, कोई आध्यात्मिक शक्ति पर ही जो है, कोई किसी की भक्ति में लीन है, तुकाराम को देखिए, साईं राम को देखिए, रामदास को देखिए, संत कबीर को देखिए, उसका आनंद उस शारीरिक आनंद से बहुत ऊंचा है, ऐसे ढेर सारे, इस पर लंबा नहीं भाषण दिया जा सकता, उचित भी नहीं है अभी, लेकिन वही चीज है। तो ये अच्छे है, इन्होंने एक शेखर एक जीवनी लिखी जो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बहुत बैठती है और उन्हीं की कहानी को सुना जाता है कि छाप दिया है, और शेखर एक जीवनी के 2 वॉल्यूम है, वक्त लगे तो खरीद के पढ़ लीजिए, शेखर एक जीवनी और मुक्ति बोध कहते हैं अगे जो हैं, ऐसे कई सारी चीजें लिखी है, तो याद रखिएगा उनके जितने भी हैं साइकोलॉजिकल ये कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, तो याद रखिएगा ये मोस्टली क्या है, साइकोलॉजिकल राइटर हैं, मनोविज्ञान पर आधार पर लिखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने लिखा है। चलिए, बंद कमरे में एक लिखा है और भी चीजें, चलिए अब हम बात करें बेटा, इन्होंने ही
जो है क्या कहते हैं टैगोर के उपन्यास गोरा, तो गौरा यहां पे लिखा हुआ है, आई एम सॉरी गोरा होगा क्योंकि ये भेज चुका हूं मैं आपको गोरख उपन्यास को इंग्लिश में जो है सॉरी हिंदी में जो है ट्रांसलेट करने का, वो तो बांग्ला में लिखे और इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। अब आइए स्पोर्ट्स पे, बैडमिंटन पे, ये इंपॉर्टेंट होगा। स्पोर्ट्स के बैडमिंटन में आइए और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेल से एक व्यक्ति ने संन्यास लिया, लिन डेन, चाइना के लिन डेन ने संन्यास लिया और इस तरह से 5-time वर्ल्ड चैंपियन वो रहा ओलंपिक में। ओलंपिक में 5 बार का बैडमिंटन में सिंगल में विजेता लिन डेन ने बैडमिंटन खेल से संन्यास लिया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही सवाल। अगला है 22वां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने TDS कैलकुलेटर जो है लॉन्च कर दिया अपने पोर्टल पे ताकि जो भी इनकम टैक्स भरते हैं उनको कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो TDS कैलकुलेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पे लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन TDS भरने वालों को सुविधा हो, ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने वालों को सुविधा हो। अब आइए क्रेडिट कार्ड बिल सुन ली इशूड टू MSME यूनिट बाय सॉल्व डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ MSME विद द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ। ध्यान दें, भारत सरकार ने MSME मंत्रालय ने जो मिस्टर नितिन गडकरी हैं उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो लगभग 15 करोड़ रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं भारत में, छोटे मोटे उद्योग जो रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को भी एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए। अब जो है जो पशुपालक हैं डेयरी फार्मर हैं उनको भी क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, अब MSME वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू समय पड़ने पर लोन भी ले लें, समय पड़ने पर पैसे भी निकाल लें और उनकी अपनी ऑथेंटिसिटी भी हो जाए और उनको मदद भी दिया जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके उनको दिया जा सकता है समटाइम्स। तो याद रखिएगा MSME सेक्टर के जो इंडस्ट्री है उसके भी यूनिट्स को ऑनर्स को अब क्रेडिट कार्ड इशू की जाएगी। अब सवाल है ये कार्ड ऑनर के नाम से इशू होगा या इंस्टीट्यूशन के नाम से, ऑब्वियसली अगर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है तो उसी के नाम से होगा क्योंकि रूल है वही, क्योंकि कंपनी जो है उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन है, उसका साइन मोहर अपना होता है। डायरेक्टर इज नॉट कंपनी, चेयरमैन इज नॉट कंपनी, कंपनी इज ए सेल्फ आइडेंटिफाइड पर्सोना फाइल, ठीक है, तो ये चीज है। और बिना डिसॉल्व के कंपनी मरती नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर चेयरमैन बदल रहे हैं ऑनर बदल रहे हैं पर कंपनी अपने आप में एक आइडेंटिफाइड है, तो डेफिनेटली उसी के ऊपर मिलेगा। तो याद रखिए MSME सेक्टर को भी अब क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक और भारत सरकार ने उसके लिए समझौता किया है। चलिए अब RBI के बारे में, बहुत अच्छा है RBI के बारे में, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। RBI गोइंग टू बी इशू गोल्ड बॉन्ड, बैंकिंग वाले ध्यान दे दीजिए, बैंकिंग के लिए खास करके है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोइंग टू बी इशू गोल्ड बॉन्ड सिंस टुमारो 6 जुलाई मंडे टू 10th of July 2020, 6 से लेके 10 जुलाई के बीच में RBI जो है गोल्ड बॉन्ड इशू करने जा रही है। इसे जिसको खरीदना है खरीद सकता है क्योंकि 10 तारीख के बाद ये पैक हो जाएगा। गोल्ड प्राइस पर ग्राम इसने रखा है क्या 4852, 4852 रुपया पर ग्राम, 10 ग्राम होता है एक तोला, तो एक ग्राम का 4852 रुपया रखा गया है जिसकी शुद्धता जो होगी 999%, 999% की शुद्धता होगी गोल्ड की। क्यों? क्योंकि हजार में अब आता है ना गोल्ड की जो मार्किंग, हॉल मार्किंग होती है 1000 यूनिट होता है, हॉल मार्क 1000 यूनिट का होता है, तो 999 शुद्धता का होगा और 4852 रुपए का एक ग्राम होगा, इस बीच में ये फिक्स्ड है। अब जिसको जितना ग्राम लेना है ले सकता है, लेकिन रूल है कि एक विद इन वन फाइनेंशियल ईयर आप मिनिमम 1 ग्राम से लेके मैक्सिमम 500 ग्राम यानी आधा किलो तक का सोने का निवेश एक आदमी के नाम पर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं और 1 ग्राम से कम करें। तो आप इतना रुपया देके रजिस्टर्ड करवा के आप क्या करेंगे, आप इसे खरीद लेंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं और डिजिटल पेमेंट करते हैं तो पर ग्राम जो 4852 रुपए उसमें 50 रुपए की छूट मिल जाएगी, इसका मतलब है 4802 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे एक ग्राम जितना ग्राम लेंगे।
और उसको आपने पेमेंट कर दिया, आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो गया, एक कोल्ड सर्टिफिकेट हो गया, आपने सोना में इन्वेस्ट कर दिया, सरकार की तरफ से सोना खरीद के इन्वेस्ट कर, गोल्ड बॉन्ड। अब आइए, पर ग्राम ₹50 डिस्काउंट है अगर डिजिटल पेमेंट है, ऑनलाइन है तो। अगला है जो है मिनिमम इंटरेस्ट फिक्स्ड एंड टैक्स फ्री। मिनिमम इंटरेस्ट इसका फिक्स कर दिया गया है, लगभग 1.75 के आसपास है, और जो है इसका प्राइस जो है फिक्स्ड है, इंटरेस्ट जो है फिक्स है। अब है इट इज टैक्स फ्री प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट होगा टैक्स इंटरेस्ट के रूप में वो क्या है, टैक्स फ्री है। मिनिमम इंटरेस्ट फिक्स्ड है, टैक्स फ्री है, मिनिमम इंटरेस्ट 1 ग्राम, ठीक है, लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स। कितने साल के लिए ये सोना आप खरीद रहे हैं, 8 वर्ष तक लॉक्ड रहेगा, 8 वर्ष तक क्या रहेगा, लॉक्ड रहेगा। अब ध्यान दीजिए, कैन बी डिस्काउंटेड आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन आपको जरूरत है और आपको लगता है कि हम अपना सोना जो है डिस्काउंट कर ले, पहले ही निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, 5 साल से पहले निकाल भी नहीं सकते। आफ्टर 5 ईयर्स, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ 8 ईयर्स, यू कैन ड्रॉ बैक, बट देन योर प्रॉफिट विल बी कट एज टैक्स, योर प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल। इफ यू हैव टू बी डू द ड्रॉ आफ्टर द मैच्योरिटी, ऑन द मैच्योरिटी योर टोटल प्रॉफिट विल बी टैक्स, पर अगर पहले ही डिस्काउंट करवाते हैं तो टैक्स फ्री नहीं रहेगा प्रॉफिट। तो लॉक इन पीरियड 8 साल का है। अब अगला है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 500 ग्राम है, मिनिमम मालूम है। कैपिटल गेन टैक्स फ्री, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो ये सर्टिफिकेट है, आपको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, पैसा चाहिए और निकाल नहीं सकते, तो आप दूसरे को बेच दीजिए। दूसरे को बेचने का मतलब जिसके हाथ होगा वो ले, दूसरे को बेच दीजिए, आप उससे पैसा ले लीजिए, जितना लेना हो कम पर बेचना वो उसके पास है, लेकिन वो 5 साल के बाद ही डिस्काउंट करवा सकता है या फिर मैच्योरिटी पर ही उसे मिलेगा, लेकिन बीच में आप कई हैंडल्स हो सकते हैं इसके। अब अगला है नो जीएसटी नो टीडीएस, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वो भी नहीं लगेगा, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। लोन गारंटी कोलेटरल है, यानी आप किसी बैंक में इस चीज को कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है इतना का, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दीजिए तो मिलेगा, तो ये लोन कोलेटोरल भी है, तो याद रखिएगा। अगला है प्यूरिटी 999% का है, नो नीड डीमैट, इसे खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेल बेटा, तो हम आगे बढ़े, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या है कि डीमैट अकाउंट खोल के ही इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा, विदाउट डीमैट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब है इट्स, ठीक है, परचेजिंग एज ए शेयर यूनिट, इसे शेयर यूनिट के हिसाब से खरीदना होता है, जैसे 1 ग्राम 1 यूनिट, 2 शेयर 2 यूनिट, तो 2 ग्राम हो गया ये। अब है पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, बैंक से खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड एनी इंस्टीट्यूशन से आप खरीद सकते हैं। समझ में आई बात, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने 999% की प्योरिटी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट विद इन ईयर 1 ग्राम, मैक्सिमम 500 ग्राम विद इन ईयर पर पर्सन, 4,852 रुपये का पर ग्राम का है, लॉक इन पीरियड 8 साल का है, 5 साल के बाद आप रीडिस्काउंट करवा सकते हैं, मैच्योरिटी जो है 8 साल का है, मिनिमम इंटरेस्ट फिक्स है, ठीक है, और क्या है फिक्स,
तो आपको मालूम है बाकी सारी चीजें हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब आइए नेक्स्ट है हमारा ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेकर आया है। ICICI जो एक बैंक भी है और उसका अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस भी है, तो देखते हैं ICICI लोम्बार्ड करके वो चलाता है इंश्योरेंस कंपनी, उसने साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी उतार दिया है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारे लॉस होते हैं। तो ये चीज अब आइए, जिस तरह से अभी हैकिंग हो रही है और कोई ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सूत्र है, लोग फ़ोन पे ही आजकल पासवर्ड वगैरह सब तमाम चीज़ें रखते हैं और वो खो जाता है तो फिर उनके एग्जाम्स भी नहीं हो पाते। बहुत सारे बच्चे जो आजकल एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं बेटा, तो उसका जो पासवर्ड है, एग्ज़ाम डेट का है वगैरह, जो कुछ भी कोड है, वो सब जो है अपना फ़ोन पे ही रखते हैं, हार्ड कॉपी पर नहीं लिख के रखते। अभी कल ही की बात है, एक बच्चे ने फिर क्या किया भाई, रखा था, फ़ोन हो गया चोरी, और चोरी हो गया तो क्या हुआ, सब खत्म। क्या फॉर्म भरा था, कितने डेट को, क्या पासवर्ड था, कुछ याद नहीं, तो खेल खत्म। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। उत्पाद पर मूल देश का नाम लिखना अनिवार्य है 1 अगस्त से, यानी हमारा कंज्यूमर एक्ट के तहत कोई भी प्रोडक्ट किस देश का है उस देश का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है 1 अगस्त से। अच्छा, ट्विटर जो है अब एक कोशिश कर रहा है कि जो ट्वीट लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है रेशियल फीलिंग वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रेशियल फिल्म वाले नस्लभेदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको रोकने के लिए उसने ट्विटर पर डिक्शनरी जो है उसकी, उसको कुछ चेंज किया है, यानी कुछ वर्ड्स को प्रोहिबिट कर दिया है, उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कर दिया वर्ड। जैसे देखिए एक वर्ड होता था मास्टर, उसको क्या कर दिया लीडर, एक वर्ड होता था स्लेव, उसको क्या कर दिया फॉलोवर्स, एक वर्ड होता था ब्लैक लिस्ट, अब क्या कर दिया डी एनालिस्ट, तो ब्लैक लिस्ट को डी एनालिस्ट कर दिया, स्लेव गुलाम को क्या कर दिया फॉलोवर्स अनुयायी कर दिया गया, और मास्टर को क्या कर दिया गया लीडर, ऐसे वर्ड्स बदला। ये ध्यान रखिएगा 6 जुलाई के ऊपर बातचीत हो गई। अब 6 जुलाई पर आ जाएगी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, CBSE की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एजुकेशन HRD डिपार्टमेंट ने फेसबुक के साथ मिल करके एक ऑनलाइन सिलेबस लॉन्च किया है डिजिटल सिक्योरिटी को साथ में रखते हुए, जिसपे हेल्थ, ठीक है ना, से रिलेटेड बात होगी, यानी हेल्थ को लेकर के और एजुकेशन कंसर्न में फेसबुक के साथ CBSE मिल करके कुछ ऐसे एप्स और पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिस पर आराम से बच्चे सारी जानकारी ले सकते हैं। सिडबी पर आइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो 1988 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, सॉरी सिडबी बैंक की बात कर रहा हूं, सॉरी सेबी नो, सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जो 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश्ड हुआ लखनऊ में, जो MSME सेक्टर यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर को देखती है, उसके लिए वो एक तरह से रीफाइनेंस एजेंसी है, उसने क्या किया, अभी ट्रेड्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, TREDS ट्रेड्स नाम का पोर्टल, जिसमें क्या किया, जितने भी MSME यूनिट्स हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड यूनिट्स, लगभग 15 करोड़ है, उन सब को कनेक्ट किया है, ताकि वहां पर आकर के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रखिए, सॉल्यूशन लीजिए, समाधान लीजिए, मतलब सरकार के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखिए, जो भी डिमांड है, प्रॉब्लम्स है, जो फेसिंग है रखिए, समस्याएं हैं टेक्नोलॉजी का, मार्केट का, और वहां से समाधान भी सरकार करती रहेगी, यानी एक अच्छा गॉसिप स्टेबल है जहां पर सरकार जुड़े मंत्रालय और ये MSME से जुड़े लोग आपस में बातचीत करके अपनी समस्याओं को हल करके आगे बढ़ सकते हैं, तो दैट्स गुड। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, 5 जुलाई को श्रीनगर के क्षीर भवानी, कहीं कहीं खीर भी लिख देता है, क्षीर भवानी मंदिर में छड़ी मुबारक पूजा हुआ त्योहार मनाया गया, जिसमें अमरनाथ के महादेव का दंड छड़ी की पूजा यहां होती है। तो एक्चुअली क्षीर भवानी मंदिर पार्वती का ही मंदिर है कहीं ना कहीं, और यहां पर छड़ी की पूजा होती है, स्टिक्स जो कहते हैं छड़ी की पूजा होती है, और वो फिर जो पुरोहित लोग होते हैं वो छड़ी को लेकर के फिर यात्रा शुरू करते हैं अमरनाथ
गुफा की, और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अमरनाथ यात्रा. विदाउट छड़ी मुबारक इट इज नॉट बिगेन. सो छड़ी मुबारक फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट एट शीर भवानी टेम्पल श्रीनगर, इट इज इंडिकेशन द बिगिनिंग ऑफ अमरनाथ यात्रा. एंड एज द डे ऑफ श्रावण पूर्णिमा दैट्स हेल्डिंग द रक्षा बंधन त्योहार, दैट इज नेशनल, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन दैट डे ऑन द श्रावण पूर्णिमा सेलिब्रेटिंग नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे, दैट इज द एंडिंग द दर्शन ऑफ अमरनाथ केव. याद रखिएगा 5 जुलाई को यह पूजा हुआ, 6 तारीख से यात्रा शुरू हो गई, पर अभी थोड़ा रोक लगा हुआ है कि क्या करे ना करे. और दूसरा मैंने क्या कहा, जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन अमरनाथ यात्रा बंद हो जाती है, वो आखिरी दर्शन होता है उस दिन. और रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा होती है, और उसी दिन भारत सरकार अपना संस्कृत लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करती है. चलिए अब आइए, ठीक है. तो इन दैट रिस्पेक्ट टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, वी विल टॉक नेक्स्ट ऑन मंडे. थैंक यू.